करिए स्टार्ट. रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स. अब रेम्यूनरेशन होता क्या है? जो आपका सैलरी में कुछ भी एडिशन होके आपको मिलता है या वेजेस में कुछ भी एडिशन होके आपको मिलता है वो क्या होता है? रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन टू वर्कर्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज देयर इज नो इफेक्टिव सिंगल मेथड ऑफ वेज पेमेंट विच इज एक्सेप्टेबल बोथ टू द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स. Wages as a means of providing income to for the workers become the only source of income which determines their economic survival in the society. So they try to force the employers to follow a method of wage or remuneration payment. क्या बोल रहा है वो? हमारी क्या एक democratic country है जिसमें कोई भी wage payment का system नहीं है. ठीक है, wage payment का system नहीं है मतलब जो मतलब एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ इस पर्सन को मतलब इस डिपार्टमेंट को इतनी ही वेजेस मिलनी चाहिए, इतने टाइम पे इनको मिल जानी चाहिए. आपने देखा है कुछ फॉर्म्स में टाइमिंग नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ इस टाइम को इनका एडवांस होगा, इस टाइम को इनकी सैलरी मिलेगी. क्या करते हैं वो? कई बार क्या होता है मंथ दो मंथ निकल जाते हैं, उनको सैलरीज नहीं मिलती, वेजेस नहीं मिलती. तो वो क्या है, एक सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे. ठीक है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री विल हैव टू पे रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम. द अमाउंट ऑफ वेजेस ऑफ रेम्यूनरेशन पेएबल टू ईच ऑफ द एम्प्लॉयज डिपेंड अपॉन on a number of factors. The term of employment generally specify the rate or pay scale and other allowances payable to workers. ये देखो क्या बोला उसने, the term of employment generally specify the rate or pay scale and other allowances payable to workers. Employment अब क्या है, जो आपको एक तो pay scale होता है और जो आपको allowances मिलते हैं, किनको मिलते हैं? workers को. ठीक है, in the modern industrial organization of the mass production a worker wages are eased upon incentive job evaluation negotiated labor contracts wage plans and profit sharing etc. ab wages ke types kya hain? real wages, minimum living and fair wages. real wages kaun se hote hain? real wages refers to the purchasing power of money wages. real wages represent the actual exchange value of wage rates or earnings. in the most common usage in which wage rates or earnings for different periods are compared, real wages reflects adjustment to changes in the price level. real wages कौन से होते हैं? जो आपको actual में मिलते हैं, मतलब जो उनकी cost आई है उस मतलब एक particular firm की, जो उस basis पे आपको actual wages मिलते हैं वो क्या होते हैं? real wages. मतलब कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती कि आपको आपके काम के अकॉर्डिंग कम वेजेस दिए जा रहे हैं या आपको काम आपके काम के अकॉर्डिंग ज्यादा वेजेस दिए जा रहे हैं. एक्चुअल वेजेस वो होंगे जो आपको काम के अकॉर्डिंग आपके दिए जाएंगे. ठीक है, मिनिमम वेजेस अकॉर्डिंग टू फेयर वेज कमेटी द मिनिमम वेजेस मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड टू फॉर सम मेजर ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट्स एंड अदर अमेनिटीज. The concept of minimum wages connotes different standards in different countries. In India, Indian reference, minimum wages means the minimum amount which the labor or worker thinks necessary for the base sustenance of life but the preservation of the efficiency of the worker. Minimum wages क्या होता है? Basically वो बोल रहे हैं इंडिया में क्या होता है कि जो आपको मतलब आपके काम के अकॉर्डिंग आपको वेजेस नहीं मिलते. काम के अकॉर्डिंग मतलब आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं. ठीक है, अगर आप कोई पर्सन कम पढ़ा लिखा है तो उसको क्या मिलेंगे? वेजेस कम मिलेंगे. एक्सपीरियंस नहीं है उसको वेजेस कम मिलेंगे. न्यू पर्सन है उसको वेजेस कम मिलेंगे. ठीक है, इसमें ये सब किस में आता है? मिनिमम वेजेस में. लिविंग वेजेस, द लिविंग वेजेस अकॉर्डिंग टू द कमेटी ऑफ ऑन फेयर वेजेस रिप्रेजेंट the highest level of the wages and naturally it would include all amenities which a citizen living in a modern civilized society was entitled to accept when the economy of the country was sufficiently advanced and the employer was able to meet the expanding aspirations of his workers. After considering various observations made by Indian and foreign authorities, the committee observed that the living wage should enable the male earner to provide for himself and his family not merely the bare essential of food, clothing and shelter but a measure of frugal
comfort including education for the children, protection against ill health, requirements of essential social needs and a measure of insurance against the more important misfortunes including old age. Living wages कौन से होते हैं वो बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या होना चाहिए जो वेजेस है वर्कर्स को किस तरह के मिलने चाहिए कि वो अपनी फैमिली को अपने बच्चों को बच्चों को क्या दे सके गुड एजुकेशन दे सके कोई इंश्योरेंस करवा सके या क्या कर सके इन्वेस्ट कर सके ठीक है हाँ बेसिकली क्या है अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके ठीक है Fair wages is that wages which the labor gets for his work, which is just near to minimum wages and living wages. Generally, current rate of wages being paid in the organization are known as fair wages. मतलब जो आपका market में wages का price चल सभी firms या कुछ industries labor को wages दे रही हैं, ठीक है? वो क्या है? Current wages. आप क्या कर रहे हो? Phone पे लगे हुए हो? करंट रेट ऑफ वेजेस ठीक है बींग पेड इन ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज फेयर वेजेस फेयर वेजेस कौन से होंगे जो आप लेबर को उनके काम के लिए दे रहे हो विदाउट एनी पार्शियलिटी ये कि आपका किसके किसके सिमिलर होगा लिविंग और मिनिमम वेजेस के सिमिलर होगा ठीक है Essential features of an effective wage plan. There should be granted minimum wages at a satisfactory level. जो आप उनको minimum wages भी दे रहे हो तो उनका क्या होना चाहिए एक satisfactory level होना चाहिए वो उन wages से क्या होना चाहिए satisfy होने चाहिए उनकी needs fulfill होनी चाहिए ठीक है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके The system should be flexible to permit any necessary variations which may arise. और आपका जो सिस्टम क्या होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए मतलब कुछ भी क्या बोलते हैं उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके सिस्टम में ठीक है उनको टाइम टू टाइम क्या मिलने चाहिए वेजेस मिलने चाहिए द सिस्टम शुड एम टू इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स एंड रिड्यूसिंग लेबर टर्न ओवर लेबर टर्न ओवर क्या आता है लेबर 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 टर्न ओवर हाँ जो आपका लेबर में चेंजेस आते हैं कि आपकी आप कितनी बार कितने पर्सन को कितने वर्कर नए लेके आ रहे हो कितने वर्कर छोड़ के जा रहे हो वो क्या होता है लेबर टर्न ओवर ठीक है द सिस्टम शुड एम एट इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स अगर आप उनको टाइम टू टाइम वेजेस देते रहोगे तो उससे क्या होगा वर्कर्स का क्या होगा मोरल इंक्रीज होगा ठीक है वो मोटिवेट होंगे कि हमें यहाँ पे ज्यादा काम करना चाहिए मतलब इफेक्टिवली काम करना चाहिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते कि हमें टाइम टू टाइम वेजेस मिलते हैं ठीक है इससे आपका क्या होगा लेबर टर्न ओवर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा लेबर टर्न ओवर मतलब जो आपके वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं वो क्या करेंगे वहीं पे रिटेन रहेंगे ठीक है द सिस्टम शुड नॉट बी इन वायलेशन ऑफ एनी लोकल और नेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो आपका सिस्टम में कुछ भी वायलेंट नहीं होना चाहिए ठीक है द सिस्टम मेथड शुड बी सिंपल एंड कैपेबल फॉर बीइंग अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स द वेजेस शुड बी रिलेटेड टू द एफर्ट पुट इन बाय द एम्प्लॉय इट शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर ये दोनों के लिए क्या होना चाहिए फेयर होना चाहिए द ऑपरेटिंग दोनों कौन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के लिए द ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द मेथड शुड बी मिनिमाइज इससे क्या होगा जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है वो क्या हो जाएगी मिनिमाइज हो जाएगी द सिस्टम शुड कीप इन व्यू द वेज रेट इन सेम एरिया ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन द सिस्टम शुड बी को रिलेटेड टू द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू पे एंश्योर इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क और इक्वल जॉब क्लियर है ये पॉइंट्स अब इसके मेथड्स क्या है रेम्यूनरेशन और वेज पेमेंट के पहला क्या है टाइम रेट मेथड दूसरा पीस रेट तीसरा इंसेंटिव प्लान्स और स्कीम्स टाइम रेट मेथड में फर्दर आपके थ्री मेथड्स ये हैं कौन कौन से फ्लैट टाइम रेट मेथड हाई डे रेट और ग्रेजुएटेड टाइम रेट फ्लैट टाइम रेट मेथड क्या होता है इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वेज पेमेंट अंडर दिस वर्कर्स आर और एम्प्लॉयज आर पेड एट अ फ्लैट रेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दे आर एम्प्लॉयड दिस मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्क बाय द एम्प्लॉयज वेजेस ऑट टू बी कैलकुलेटेड
जो फ्लैट टाइम रेट मेथड था उसमें उसमें उनको किस बेसिस पे उनको वेजेस मिलती हैं? टाइम के अकॉर्डिंग, कितने आवर्स उन्होंने काम किया उस अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिल जाती है, ठीक है। हाई रेट मेथड उन्होंने उसका फॉर्मूला दिया है वेजेस को कैलकुलेट करने का। वेजेस को फ्लैट रेट मेथड में क्या कैसे कैलकुलेट करना है? आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, एक घंटे का आपको कितना मिलता है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है जितने का घंटे उसने काम किया, ठीक है। रेट पर आवर तो पता है ना, एक घंटे का आपको कितना मिलता है। हाई रेट मेथड, दिस मेथड इज सिमिलर टू प्रीवियस मेथड एक्सेप्ट दैट डे रेट्स आर मेड हाई इनफ सो दैट इन रिटर्न अ मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम द वर्कर्स इज एंश्योर्ड। अकॉर्डिंग टू हेनरी फोर्ड द टाइम रेट्स एट हाई वेज लेवल्स आर इक्वली इफेक्टिव लाइक अदर इंसेंटिव प्लान्स। हाई रेट मेथड क्या होता है? ये जो आपका हमने फ्लैट टाइम मेथड पढ़ा है उसके जैसा ही है, बस इसमें क्या आ जाते हैं आपको डे के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। डे के अकॉर्डिंग क्या मिलती है? वेजेस। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 घंटे काम किया, उसमें आप कुछ ओवर टाइम भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको किस में ले जाता है? एक डे में। फॉर एग्जाम्पल एक दिन कितने घंटे का होता? 12 दिन 12 रात। फॉर एग्जाम्पल उसने 12 घंटे काम किया तो वो किस में जाएगा? डे में जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएटेड टाइम रेट मेथड, अंडर दिस मेथड द वेजेस आर पेड एट टाइम रेट्स विच वेरी विद चेंजेस इन लोकल कॉस्ट और ऑफ लिविंग इंडेक्स। इन इंडिया द बेसिक वेजेस रेट नॉर्मली रिमेन फिक्स्ड एंड इट इज डन एज अलाउंस अदर अलाउंसेस एटसेट्रा द वेरीज That varies with cost of living. Sometimes wage rates are adjusted with changes in the selling price of the product. Graduated time rate method क्या होता है? वो बोल रहा है कि आपकी चाहे कोई भी फॉर्म हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें आपका क्या होगा, जो wages की wages होंगे वो क्या रहेंगी? Fixed रहेंगी, ठीक है, but उसमें क्या हो जाएगा आपका अलाउंसेस वगैरह उनमें ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे डीएनएस अलाउंस या अदर अलाउंसेस, ठीक है। बट वो क्या बोल रहा है, जो आपकी वेजेस है वो वेरी करेंगी। किस तरह से वेरी करेंगी? अगर आपका सेलिंग प्राइस उस प्रोडक्ट का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आपकी वेजेस भी इंक्रीज और डिक्रीज होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो लेबर काम कर रही थी, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, तो वो उनकी वेजेस भी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। एडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट मेथड, simplicity, it is a simple method, best work, it handles work with his all ability and cares the job, this method is useful for artistic and fine job, safety of wages, timely prescription of wages is very safe, sickness, accident or less work has no effect on the wages. Economy in cost, as laborer and producer are is no hurry of the work, is it is done properly and accurately with care, so there is no need of control, ठीक है। Economy cost में क्या बोल रहा है वो, इसकी advantage क्या है कि आप properly और accurate way से क्या करते हो, उसका उस proper जो आपको job दी गई है उस पे काम करते हो, आप ज्यादा जल्दी नहीं करते हो कि हाँ जल्दी जल्दी करो ये काम खत्म करना है, ठीक है, उसको क्या करते हो एक सिंपल वे से, एक एक्यूरेट तरीके से, सिस्टमैटिकली क्या करते हो उसको कंप्लीट करते हो, ठीक है। अगर आप एक सिस्टमैटिक वे से आप ज्यादा जल्दी हड़बड़ाहट नहीं करोगे तो उसमें क्या होगी, आपकी वेस्टेज वगैरह कम होगी, तो उसमें क्या है आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी काउंटिंग, वर्कर्स कैन कैलकुलेट देयर वेजेस इजिली, फीलिंग ऑफ यूनिटी, वर्कर्स एंगेज इन द सेम काइंड ऑफ वर्क विद इक्वल वेजेस। फीलिंग ऑफ यूनिटी कैसे होगी उनकी, क्योंकि वहां पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका वेज रेट क्या होगा? सेम रहेगा, ठीक है। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज देयर इज नो रश ऑफ वर्क एंड मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटीरियल्स आर प्रॉपरली हैंडल्ड एंड वेस्टेज आर अवॉइडेड। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिबिटिंग efficiency, workers perform the job with care and ably, hence he has enough chances to show his job efficiency. इसमें last point में वो क्या बोल रहा है आप लोग बताओगे, देखना है मुझे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा जो उसमें लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, मुझे लगता है आपको समझ आ जाता होगा क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बोलो,
हाँ वो क्या बोल रहा है, वर्कर्स जो है इफेक्टिवली अपना काम परफॉर्म करेंगे जब उनको टाइम टू टाइम क्या मिलेंगे, वेजेस मिलेंगे। वो क्या करता है, वो क्या करने की कोशिश करता है उस टाइम पे कि मैं अपनी एफिशिएंसी दिखाऊं, अपनी स्किल्स दिखाऊं कि मुझ में भी कुछ स्किल्स हैं, कि मुझे इस जॉब में क्या, वो अपने प्रमोशन वगैरह के लिए क्या करता है, अपना स्किल्स को शो करता है वहां पे। डिसएडवांटेजेस क्या है इस टाइम रेट मेथड के, नीड ऑफ मोर इंस्पेक्शन, द टाइम वेजेस मेक द लेबर कॉस्टली, दे डू नॉट केयर फॉर टाइम एंड कंज्यूम टाइम यूजलेसली। ये क्या करता है, टाइम इसमें जो आप वेजेस दे रहे हो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। फैटल टू एफिशिएंसी, एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट कोरिलेटेड इन दिस सिस्टम। जो आप कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हो उसके रिवॉर्ड्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। डिससेटिस्फेक्शन अमंग वर्कर्स, इनएफिशियंट एंड एफिशियंट पर्संस गेट इक्वल वेजेस। क्या बोल रहा है वो, कुछ पर्सन वहां पे वर्कर्स स्किल्स पर स्किल्ड वर्कर्स होंगे, कुछ अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, बट जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो क्या होंगे वहां पे, डिसअपॉइंट होंगे। क्यों होंगे, कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है, बट फिर भी क्या मिल रही है, वेजेस इक्वल वेजेस मिल रही है, तो वहां पे वर्कर क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। एम्प्लॉयर्स, हमारा होता है ना कि मैं ग्रेजुएट हूँ, वो प्लस टू है, उसको इतनी सैलरी क्यों मिल रही है, मुझे इतनी क्यों मिल रही है, कि मतलब मेरे जितनी ही क्यों मिल रही है, ठीक है, मेरी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए, होता है ना ये, तो वही यहाँ पे भी वही पॉइंट बोल रहा है वो, कि ऐसे एम्प्लॉयर्स क्या हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, सॉरी वर्कर्स। Employer's complaint, employer is unsatisfied with work or workers even if he may do much work, he expects always more work from them. वो क्या बोल रहा है, employer की हमेशा complaint रहती है worker से, कि अगर वो काम कर रहे हैं but फिर भी वो क्या बोलेगा, मुझे इससे ज्यादा काम चाहिए, ठीक है, वो कभी भी उनको motivate नहीं करेगा, होता है ना ये। आपको कुछ टाइम एक मतलब एक आधी लाइन में उनसे तारीफ सुनने को मिल जाएगी, बट बाकी का क्या होगा, हम वही पे आ जाते हैं ना, कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बोलते हैं ना। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पता है ये क्यों होता है, वो सोचते हैं कि अगर हम इनको ऐसा बोलेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो क्या हवा में आ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, वो काम करना थोड़ा कम कर देगा। higher cost of production, as there is no check on the quantity of production by workers, more supervision is required, thus the additional cost of supervision increases the labor cost per unit. Slow production, worker has no hurry to work, hence there is slow work and production slackens. Samajh aa gaye upar wale points? नेक्स्ट है आपका पीस रेट मेथड, द सेकंड इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज पीस रेट मेथड। अंडर दिस मेथड द वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ वर्कर्स। टाइम पीरियड उसमें क्या पढ़ा था हमने, टाइम रेट मेथड में टाइम के अकॉर्डिंग उनको वेजेस मिलती थी, अब पीस रेट मेथड में क्या है, इसमें आपको आउटपुट के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगी, ठीक है, आप कितनी आउटपुट दे रहे हो, कितना रिजल्ट दे रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट ऑफ पर यूनिट, उस यूनिट पर यूनिट का रेट कितना है, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना जितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की होंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पी स्ट्रेट मेथड, अब इसके टाइप्स क्या है, स्ट्रेट पी स्ट्रेट मेथड, पेमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस विद रिगार्ड टू टाइम टेकन, द वेजेस आर टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। उस यूनिट का क्या प्राइस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। स्ट्रेट पी स्ट्रेट मेथड में क्या होगा, उन्होंने यूनिट्स का रेट क्या किया होगा, उस प्रोडक्ट यूनिट्स मैंने बताया था ना, यूनिट्स कैसे होती है, कैसे होती है, क्या होती है यूनिट, फॉर एग्जाम्पल
बोल लो, बोले तो सही हो, एग्जाम्पल तो सही है, और कोई एग्जाम्पल देख लो। यूनिट, यूनिट किस में होती है? केजीज में होती है, नंबर्स में होती है। बोलो, मैंने एक मिल्क की भी एग्जांपल दी थी ना, कि आप एक मिल्क कितना लेके आते हो, एक किलो लेके आते हो, तो एक उसकी यूनिट क्या होगी? केजी होगी। केजी के हिसाब से आपको कितना मिल्क का प्राइस क्या है? 50 रुपीज है, तो पर यूनिट मिल्क क्या हुआ? 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स पर रेट पर यूनिट, मतलब उस यूनिट का। फॉर एग्जांपल 1000 ब्रिक्स का क्या था, 1000 पर यूनिट, उस 1000 ईंटें क्या थी? एक यूनिट है, ठीक है। 1000 ईंटा थी, एक यूनिट है, ठीक है। वो 1000 ईंटा देखेंगे, फिर उन्होंने कैलकुलेट करेंगे कि असी कितनी ईंटा प्रोड्यूस कितनी, उन्होंने की कर देंगे ओदे नाल मल्टीप्लाई। टाइलर डिफरेंट पीस रेट मेथड, पीस रेट्स वर डिटरमाइंड बाय टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी में हमने क्या किया था पीछे लास्ट यूनिट में, याद है कुछ? टाइम स्टडी और मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में आपका क्या वो क्या करते हैं, आपकी ओवरऑल क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, उस बेसिस पे आपको क्या मिलती है, वेजेस, ठीक है, या आपको अपॉइंट वगैरह करते हैं। टाइम बेसिस क्या होता है कि आप पंचुअल हो या नहीं हो, इस बेसिस पे आपको वहां पे अपॉइंट किया जाता है, आपको सैलरीज दी जाती है, ठीक है। डे वेजेस आर नॉट ग्रांटेड, देयर वर टू रेट्स, वेरी लो पीस रेट एंड हाई पीस रेट। रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर्स by setting a high piece rate for high level production, discourage below average workers by providing no granted wages and setting low piece rate for low level production. First point में क्या बोल रहे हैं, किनको rewards दिए जाएंगे, rewards किनको मिलता है? efficient workers को, और जो high level production मतलब ज्यादा output देता है, ज्यादा results देता है, उनको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेगा, उनकी वेजेस के ऊपर कुछ भी एडिशनल आपको दे देंगे, ठीक है। डिस्करेज बिलो एवरेज वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग नो ग्रांटेड वेजेस एंड सेटिंग लो पीस रेट फॉर, उन्होंने मतलब हाई पीस रेट क्या होगा, उन्होंने जो उनको एडिशनल रिवॉर्ड वगैरह देना है उसमें क्या उन्होंने एक प्राइस सेट किया होगा, ठीक है, कि इनको इतनी क्या देनी है, एडिशनल वेजेस देनी है, ठीक है। जो जिनको नहीं देनी वो क्या करते हैं, discourage below average workers by providing no granted wages and setting low piece rate or low level of production. अब जिनकी results अच्छे नहीं होंगे उनको तो कोई भी reward वगैरह नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगी, जो उनकी fixed wages है वही मिलेगी। piece graduated time rate, under this method workers are paid minimum wages on the basis of time rates. a piece rate method with ग्रेजुएटेड टाइम रेट में इंक्लूड एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग। अब फिर से क्या बोल रहा है, पीस ग्रेजुएटेड टाइम रेट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट, टाइम के अकॉर्डिंग क्या मिलेंगी आपको, वेजेस मिलेंगी, ग्रेजुएटेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम रेट प्लस अ पीस रेट। इसमें आपके दोनों ही आएंगे, कौन कौन से, टाइम रेट और पीस रेट। पीस रेट में क्या था, आउटपुट के अकॉर्डिंग मिलती है, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग। पीस रेट विद अ फिक्स्ड डियरेंस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, पीस रेट में आपका क्या रहेगा, डियरेंस अलाउंस और कॉस्ट लिविंग वगैरह क्या मिलेंगे आपको, अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, ठीक है। इफ अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस रेट इज लेस देन द ग्रांटेड मिनिमम वेजेस, द वर्कर्स विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट। वो बोल रहा है अगर आपका पीस रेट में आपको कम वेजेस मिल रहे हैं तो आपको किसके अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाएंगे, टाइम रेट के अकॉर्डिंग वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैरिक मल्टीपल पीस रेट मेथड, मैरिक आफ्टरवर्ड्स मॉडिफाइड द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। अंडर दिस मेथड पुनिटिव लोअर रेट इज नॉट इम्पोज फॉर परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड, ऑन द अदर हैंड परफॉर्मेंस अबव
a certain level is rewarded by more than one higher differential rate. This method rewards the efficient workers and encourages the less efficient workers to increase their output by not penalize them for performance. This method also does not guarantee day wages. Merit multiple piece rate में क्या होता है? Basically वो अपने workers को क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं. मोटिवेट कैसे करेंगे कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स है, जो आप अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, वो क्या करेंगे, जब दूसरों को बोनस वगैरह मिलेगा, कुछ भी रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, तो वहां से मोटिवेट होंगे कि हमें भी ज्यादा उनको आउटपुट देनी है और हमें भी क्या करना है, बोनस वगैरह लेना है. ठीक है. हायर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आप बाद में करेंगे. एडवांटेजेस क्या है पीस रेट मेथड की? अंडर दिस मेथड द रिवॉर्ड इज रिलेटेड टू एफर्ट्स. किसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स? किसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको? जो आप वहां पे एफर्ट्स कर रहे हो, जो आप वहां पे रिजल्ट्स दे रहे हो. अंडर दिस मेथड द लॉस ऑफ ब्रेकेज इज मिनिमाइज. आपकी क्या हो जाएगी, कौन सी कॉस्ट या कौन सा लॉस मिनिमाइज होगा? जो आपकी वहां पे वेस्टेज वगैरह होगी या कुछ भी मशीनरी में प्रॉब्लम वगैरह होगी, वहां से क्या हो जाएगा, आपका सेविंग होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगी. ठीक है. द वर्कर्स ऑलवेज ट्राई टू डिस्कवर न्यू मेथड. वर्कर्स क्या करते हैं, वो बोल रहा है इसमें, वर्कर्स अपने न्यू मेथड्स को फाइंड आउट करते हैं, अपनी न्यू स्किल्स को क्या करते हैं, अपने खुद में ढूंढते हैं कि हाँ मैं इस काम को इस बेटर वे से कर सकता हूँ. ठीक है. उसमें उससे क्या होगा, वो अपनी क्या दिखाते हैं, एफिशिएंसी दिखाते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं. ठीक है. एज द कॉस्ट पर यूनिट कैन बी नोन एग्जैक्टली, कोटेशन कैन बी मेड कॉन्फिडेंटली एंड एक्यूरेटली. जो आपको कॉस्ट पर यूनिट मतलब पीस रेट मेथड के अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलेंगी, वो क्या होंगी, ज्यादा एक्यूरेट होंगी किसके कंपेरेटिवली, कॉस्ट पर यूनिट कैन बी नोन एग्जैक्टली, द कोटेशन कैन बी मेड कॉन्फिडेंटली एंड एक्यूरेटली. जो आपको पीस रेट मेथड के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगी वो ज्यादा एक्यूरेट होंगी. ठीक है. क्यों होंगी? क्योंकि आपको आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या मिलेंगी, वेजेस मिलेंगे. एज कम्पेयर टू द टाइम रेट मेथड, अंडर दिस मेथड द सुपरविजन कॉस्ट आर नॉट हाई बिकॉज द वर्कर्स आर टू पेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? देयर इज नो गुड रीड एंड रेडी मार्केट फॉर प्रोडक्शन. द प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन में अराइज. कई बार वो बोल रहा है डिसएडवांटेज इसकी क्या हो सकती है, वर्कर अपनी स्किल्स दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं. ठीक है. मतलब प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं. द वर्कर मे बी टेम्प्टेड टू हैव क्वांटिटी इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ. वो क्या बोल रहा है, वर्कर अपनी स्किल्स दिखाने के लिए अपनी हेल्थ की भी क्या नहीं करता, केयर नहीं करता. ठीक है. उसको क्या होता है कि मुझे ज्यादा रिजल्ट देने और मुझे wages और rewards वगैरह उसको ज्यादा मिले. The workers always attempt to maximize their output and in doing so they use the machines and tools recklessly and thus the breakage cost may increase. जब वो ज्यादा काम करेगा तो मशीनरी में भी प्रॉब्लम आएगी. ठीक है. ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है. Determination of the piece rate is difficult task and generally disputes take place between employer and employees due to it. अब इससे क्या हो सकता है, उनमें झगड़े भी हो सकते हैं. झगड़े क्यों होंगे, पीछे से काम स्लो होगा, वो काम फास्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा कि तुम काम स्लो कर रहे हो, मैं जल्दी से काम कर रहा हूं, जो जितना तुम्हें करना चाहिए उतना नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या होगे, डिस्प्यूट्स होंगे. ये भी क्या एक डिसएडवांटेज है. अब जैसे अंशु कहेगी मैं ज्यादा पढ़ती हूँ, रवनीत पढ़ता नहीं है, मैं उसको पढ़ा रही हूँ वो पढ़ता नहीं, तो वो वहां पे क्या होगा, झगड़ा होगा. एज मोर आउटपुट मीन्स मोर वेजेस, द वर्कर्स आर ऑलवेज इन हरी टू प्रोड्यूस मोर. इसमें क्या है, फिर से वही पॉइंट बोल रहा है वो, कि वर्कर्स क्या करते हैं, ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं कि उसकी वेजेस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए. द मेथड विल फ्रस्ट्रेट द लेस एफिशियंट वर्कर्स. अब ये किसके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है, लेस एफिशिएंट वर्कर्स, जो स्किल्ड पर्सन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका इंसेंटिव्स, प्लान्स और
schemes. Time rate method and piece rate method are discussed with advantages and disadvantages in this unit. The basic purpose of incentive plans to introduce for workers to produce more to earn higher wages. The various incentive plans are available for wage payments to workers. Following the main incentive plans are discussed as follows. वो क्या बोल रहा है, इन्होंने कुछ incentives schemes वगैरह plan की होती हैं, कुछ launch की होती हैं, इनकी कुछ policies होती हैं कि जो इतना काम करेगा उसको ये वाले incentives वगैरह या bonus वगैरह मिलेंगे, ठीक है? पहला method क्या है इसमें, पहली type कौन सी है? Combination of time and piece rate. Under this scheme, the following methods are important for wage payment. Emergen efficiency bonus scheme. This scheme is designed to encouragement to the slow work to perform better than before. Under this system, time wage is granted. The main feature of plan, day wages are granted. A standard time is fixed for each production or output below 66.2/3% efficiency. The worker is paid is hourly rate and from 66.2/3% up to 100% efficiency. Payments are made on the basis of step bonus rates. Above 100% efficiency and additional bonus of 1% of the hourly rate is paid for each 1% increase in efficiency. समझ आ रहे हैं ये points क्या बोल रहे हैं? First में क्या बोल रहा है वो? नहीं समझ आया? पहले में क्या बोल रहा है? ये स्कीम किसके लिए डिजाइन की गई है? वर्कर्स के लिए. क्यों डिजाइन की गई है? कि जो जिनको मतलब जो हाईली एफिशिएंट वर्कर है उनको तो बोनस मिलना ही मिलना है. जो मतलब लेस एफिशिएंट है वो क्या होंगे, उनको देख के क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो आगे से ज्यादा अपने रिजल्ट्स दे सके, ज्यादा आउटपुट दे सके, ठीक है? अब इसमें क्या बोल रहा है, टाइम वेज क्या रहेगा इसमें? ग्रांटेड रहेगा, ठीक है, फिक्स रहेगा. दूसरा, टाइम वेज और डे वेजेस भी क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे. अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच प्रोडक्शन और यूनिट. स्टैंडर्ड टाइम किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग फिक्स रहेगा? प्रोडक्शन और आउटपुट के अकॉर्डिंग. बिलो 66.2/3% एफिशिएंसी द वर्कर इज पेड हिज आर्ली रेट. अगर उसकी एफिशिएंसी कितने से कम है, 66.2/3 से कम है, तो उसको आर्ली रेट के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगी. अगर उसकी 66.2/3 से ज्यादा है तो वो उनको क्या होगा कि वो अपना 100% क्या दे कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, तो पेमेंट्स आर मेड ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेप बोनस रेट्स. तो उनको क्या वेजेस किसके अकॉर्डिंग मिलेंगी? बोनस के अकॉर्डिंग. मतलब वहां उस पे उसकी वेजेस में क्या ऐड हो जाएगा? बोनस ऐड हो जाएगा. अबव 100% एफिशिएंसी. फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, उसकी 100% देखते हैं कि वो अपने एफर्ट्स कर रहा है तो बोनस क्या हो जाएगा, 1% ऐड हो जाएगा. किसमें? पर आर के रेट से, ठीक है? उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, अर्निंग्स इज इक्वल टू ए टी इंटू आर प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस इंटू ए टी इंटू आर. नेक्स्ट क्या है, गैंट टास्क बोनस स्कीम. दिस मेथड कंबाइंस टाइम रेट्स, हाई पीस रेट्स एंड बोनस. इसमें क्या हो जाएगा, अब तीन पॉइंट्स आ जाएंगे. कौन कौन से? टाइम, पीस और बोनस. द डे वेज अंडर दिस मेथड. इसमें भी क्या है, जो आपकी डे वेजेस क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी. मेन मेथड्स क्या है, डे वेजेस आर ग्रांटेड, स्टैंडर्ड्स आर सेट एंड बोनस इज पेड इफ अ वर्कर इज कम्प्लीटेड विद इन द स्टैंडर्ड टाइम. जो इन्होंने एक फिक्स टाइम दिया है उसमें आप अगर अपना टास्क कंप्लीट कर देते हो तो आपको क्या मिलेंगे, एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है? परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट. अगर आप स्टैंडर्ड टाइम रेट के अकॉर्डिंग आपने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको वेजेस किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, टाइम रेट के अकॉर्डिंग. आपको आज के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, आपको वेजेस मिलेंगे. परफॉर्मेंस अबव स्टैंडर्ड इज पेड एट हाई पीस रेट. हाई पीस रेट मतलब जो उन्होंने, हमने लास्ट पॉइंट्स में पढ़ा था ना, जो उन्होंने स्कीम्स बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, आपको बोनस वगैरह मिलेगा. नेक्स्ट है आपका प्रीमियम बोनस स्कीम. द वेरियस स्कीम्स अंडर प्रीमियम बोनस स्कीम कंबाइंड टाइम वेजेस विद पीस रेट्स. देर आर थ्री मेन स्कीम्स अंडर दिस मेथड. हेल्जे प्रीमियम स्कीम.
हेल्थ से प्रीमियम स्कीम में क्या बोला, इट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड बेसिकली जितने भी हमने आप फर्स्ट को छोड़ के उससे जो सेकंड मेन पॉइंट्स पड़े हैं उनमें क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, टाइम और पीस रेट का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, उनको वेजेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क और ऑपरेशन, एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है किसका, एक जॉब को कंप्लीट करने का, ठीक है। टाइम रेट इज ग्रांटेड एंड द वर्कर रिसीव्स द ग्रांटेड वेजेस, टाइम रेट क्या है, फिक्स रहेगा और वर्कर्स क्या अपनी वेजेस क्या रिसीव करेंगे, वेजेस भी फिक्स रिसीव करेंगे, ठीक है। कैसे, अगर उन्होंने बोला हुआ है कि 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे के आपको इतने ही वेजेस मिलेंगे, मतलब इतने ही वेजेस मिलेंगे, ठीक है। इफ द वर्कर इज कंप्लीटेड इन द लेस स्टैंडर्ड टाइम, अ वर्कर इज पेड अ बोनस ऑफ 50% ऑफ द टाइम सेव्ड एट टाइम रेट इन एडिशन टू हिज नॉर्मल टाइम वेजेस। अगर वो बोल रहा है कि उसने अपना काम जल्दी कंप्लीट कर लिया, स्टैंडर्ड टाइम जो उन्होंने फिक्स टाइम दिया हुआ था, तो आपको 50% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। किस पे 50% मिलेगा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल उसने अपने 8 घंटे की उसकी जॉब थी, 6 घंटे में उसने अपना क्या कर दिया, जॉब कंप्लीट कर दिया, जो उसके 2 घंटे रहते हैं उसको उसके मतलब पर घंटे का उन्होंने वो रखा होता है ना कि पर घंटे की इसको कितनी वेजेस देनी है, ठीक है, पर घंटे कितने वेजेस देने हैं उसको, कितने से 50 से क्या कर देंगे, 50% बोनस से उसको क्या कर देंगे, मतलब उन 2 घंटों पे उसको 50% बोनस देंगे, ठीक है। 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, अर्निंग्स टाइम रेट इनटू टाइम टेकन प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ये आप फॉर्मूला पढ़ लेना। हेल्थ वेयर स्कीम सेकंड कौन सी है, हेल्थ वेयर स्कीम, अंडर दिस स्कीम अ वर्कर विल गेट अ बोनस 30% टाइम सेव्ड एज अगेंस्ट 50% इन द केस ऑफ प्रीवियस स्कीम, इन अदर रिस्पेक्ट बोथ हेल्जे एंड हेल्जे वायर स्कीम्स आर सिमिलर। उसमें क्या है, आपको जो आप टाइम सेव करते हो उस पे 50% बोनस मिलता था, अब हेल्जे वायर में क्या है 30% बोनस मिलता है जो आप टाइम सेव करते हो, बेसिकली सेम है, परसेंटेज का ही फर्क आ रहा है, ठीक है। थर्ड है आपका रोवन प्रीमियम स्कीम, दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी रोवन इन 1901 एज बिफोर, द बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड, दिस प्लान इज ऑल्सो सिमिलर टू हेल्जे प्लान एक्सेप्ट इन कैलकुलेशन ऑफ बोनस। वो क्या बोल रहा है, बोलो हाँ, बट क्या है, फॉर्मूला चेंज है, कैलकुलेशन डिफरेंट है, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम वेजेस प्लस टाइम वेजेस इनटू बोनस रेशियो, टाइम वेजेस दूसरा क्या है, फॉर्मूला क्या दिया हुआ उसने, टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट प्लस आर्ली रेट इनटू बोनस रेशियो, ठीक है। अब बोनस रेशियो उसने बोला आप कैसे निकालोगे, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड क्या है, उसने 2 घंटे सेव किए किसमें से, 8 घंटे में से, ठीक है। टाइम सेव्ड कैसे निकालोगे, मतलब आपको ऊपर वाले फॉर्मूलाज उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या करने पड़ेंगे, ये 2 फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप बोनस स्कीम, इट ऑल द प्रीमियम स्कीम्स डिस्कस्ड सो फार द बोनस पेएबल टू एज इंडिविजुअल वॉज एसर्टेन्ड, बट बोनस स्कीम फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वर्किंग टूगेदर में ऑल्सो इंट्रोड्यूस, इट इज नेसेसरी टू हैव अ वर्क टीम, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स बिकॉज द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द कम्बाइंड एफर्ट ऑफ अ टीम ऑफ वर्क, इट इज रिक्वायर्ड टू रिवॉर्ड नॉट ओनली द डायरेक्ट वर्कर्स बट ऑल्सो द इनडायरेक्ट वर्कर्स। ग्रुप बोनस स्कीम में क्या बोल रहा है, वो आप एक जो टीम वर्क कर रहे हो, ठीक है, आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, ठीक है, आपकी वहां पे वो नहीं देखी जाएगी कि एक इंडिविजुअल पर्सन कितना काम कर रहा है, वहां पे क्या देखा जाएगा, पूरी टीम कितना काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे वेजेस, उसमें आपको दोनों को मिलेंगे, डायरेक्ट लेबर को भी मिलेंगे और इनडायरेक्ट लेबर को भी
मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा? आपस में बोल सकते हैं बट वो मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने जो एक टाइम पीरियड दिया होगा ना उनमें, उन्हें तो उतने में अपना क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर उनको उतने में रिजल्ट मिलता है तो वो मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलेगी उनको। हाँ, वो अपना खुद से बोल सकते हैं कि हाँ मैंने इतना काम किया है, उस पर्सन ने काम नहीं किया, जब उस आपको टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पे, जब कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे नहीं बोल सकते। अब टाइप्स ऑफ ग्रुप बोनस प्लान, इसकी टाइप्स क्या है? पहला क्या है? प्रिस्मैन प्रोडक्शन बोनस। अंडर दिस मेथड अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इफ एक्चुअल आउटपुट मेजर सिमिलरली एक्सीड्स स्टैंडर्ड, द वर्कर्स विल रिसीव अ बोनस इन प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज। पहले में क्या बोल रहा है आपको? यूनिट्स फिक्स कर दी जाएंगी कि आप लोगों ने इतनी यूनिट्स इतने टाइम में क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अगर वो लोग उस टाइम पीरियड में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। बट किनको मिलेगा? पूरी ग्रुप को मिलेगा। टाउन ग्रेन शेयरिंग प्लान, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान 50% ऑफ सेविंग इन कॉस्ट इज पेड टू इंडिविजुअल वर्कर्स इन एडिशन टू देयर बेसिक वेजेस। इन दिस प्लान द बोनस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट। इसमें क्या है टाउन ग्रेन शेयरिंग प्लान? जो आपकी कॉस्ट सेव हुई है, ठीक है, उन्होंने अपना टास्क क्या कर दिया, जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो उनकी वहां पे कॉस्ट क्या हो गई? सेव हो गई। तो वही कॉस्ट उनको क्या करते हैं, उनको बोनस के इन द टर्म्स ऑफ बोनस उनको रिटर्न करते हैं, ठीक है। स्कैनल प्लान, अंडर दिस प्लान अ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन रेशियो ऑफ वेजेस टू सेल्स वैल्यू ऑफ द एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज पेड टू द वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी मतलब 3 मंथ से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी क्या हुई, जो उस टाइम पे प्रोडक्शन हुई, जो वो वहां से आपका माल निकल के गया, उसमें आपको क्या हुई, आपको प्रॉफिट ज्यादा हुआ। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप उस अपनी उसका प्रॉफिट का कुछ मार्जिन क्या करोगे, उनको अपने पास रखोगे, मैनेजमेंट को नहीं देंगे, अपने वर्कर्स को देंगे। क्यों देंगे? उनको मोटिवेट करने के लिए दोगे, अपने पास रखोगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट, ठीक है। इट गारंटीज टाइम वेजेस टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। हार्मोनियस वर्कर्स इन अ ग्रुप लीड्स टू इंक्रीज्ड आउटपुट एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या करेगा? आउटपुट को इंक्रीज करेगा और कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट को डिक्रीज करेगा। इट एलिमिनेट्स एक्सेसिव वेस्ट ऑफ टाइम। डिसएडवांटेजेस क्या है? द एफर्ट और मोर एफिशिएंट वर्कर्स आर नॉट प्रॉपरली रिवॉर्डेड। सेम इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर्स है दोनों को क्या मिल रहा है? सेम बोनस मिल रहा है, ठीक है, मतलब फिर वो इक्वल लेवल पे आ गए। द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रुप शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ग्रुप। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वर्कर्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका अदर इंसेंटिव प्लान्स।